नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी की। जी हाँ, वरुण गांधी, पीलीभीत सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और वहां के स्थानीय विधायकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने चूहे और शेर की कहानी सुनाई। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा वरुण गांधी ने। वरुण गांधी ने सुनाई शेर, बकरी, चूहा और चील की कहानी। जानिए ये किस पर तंज कस गए बीजेपी सांसद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर कई जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया। जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान एक कहानी सुनाई। उन्होंने खुद को शेर का बच्चा और क्षेत्र के दूसरे नेताओं को चूहों का बच्चा बताया। वरुण गांधी ने पीलीभीत कचहरे स्थित गांधी सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ दिशा कमेटी की बैठक की। उसके बाद वो मरौरी ब्लॉक के ग्राम बस्थाना, करोड, बिरोट, कला, द्यूरी, रिछौला, बसंतपुर व मरौरी, सैंडिया और महोफ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एक कहानी सुनाई, जिसमें वरुण गांधी ने क्षेत्रीय नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहानी सुनाते हुए कहा कि शेर के बच्चे से दोस्ती करो, चूहे के बच्चों से नहीं। दरअसल जब से सोशल मीडिया पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरना शुरू किया, उसके बाद से बीजेपी नेता वरुण से कटने लगे हैं। पीलीभीत के मंत्री, विधायक और अन्य नेताओं को वरुण गांधी इशारों में खरी खोटी सुनाते रहते हैं। वरुण गांधी ने अपने भाषण में कहा, एक बार एक जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे को छोड़कर शिकार करने चले गए। वहां पर एक बकरी आई और भूखे शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। शेर आया तो उसने बकरी से कहा कि आज से आप मेरी बहन और अब आपका सम्मान पूरे जंगल में होगा। जैसे ही उसका सम्मान जंगल में फैलने लगा तो ऊपर से यह सब एक चील देख रही थी। उसने देखा कि बकरी के ऊपर किया तो उसका नाम होने लगा तो वो खुद भी ऐसा करेगी। उन्होंने आगे कहा, एक बार उसने चूहे के बच्चे को नदी में डूबते देखा तो चील ने चूहे के बच्चे को बचा लिया। चूहे के बच्चों को ठंड लग रही थी तो चील ने अपने पंख से उन्हें ढक लिया। चील के उड़ने की बारी आई तो चील ने देखा कि चूहों के बच्चों ने उसके ऊपर कतर दिए और वो अपाहिज हो गई है। चील जाकर बकरी से मिली और कहा कि हम दोनों ने उपकार किया, उसको सम्मान मिला और मेरे काम तमाम हो गया। ऐसा क्यों? तो बकरी ने कहा कि अगर रिश्ता बनाना है तो शेर के बच्चे से बनाओ। बीजेपी सांसद ने कहा कि चूहे के बच्चों से रिश्ते बनाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए सवाल वही है कि आदमी आपकी इज्जत नहीं बचा सकता जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं हो। उसको पता नहीं कि दूसरों की कीमत क्या है, इसलिए यहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी को परेशान नहीं किया और ना ही किसी पर दबाव बनाया, ना मैंने कभी अपनी ताकत का प्रयोग किया। जिसने हमारा साथ दिया, जिसने मेरे साथ नहीं दिया, सब मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार की रक्षा करूँगा जैसे मुखिया अपने परिवार का रक्षक हुआ करता है।